ब्रेक के बाद करियर मंत्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब आपको बताते हैं वेब डिजाइनिंग के कोर्स के बारे में कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो क्या क्या खास है इस कोर्स में और किस तरह से आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आजकल बिजनेस में काफी कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, चाहे एयरलाइन हो, होटल इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई खरीदारी, या यूं कहें कि छोटे बड़े हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ गया है। इसीलिए बड़े छोटे हर व्यवसाय वाले चाहते हैं कि वो अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सके। वेबसाइट एक सक्षम और प्रभावी माध्यम है ग्राहकों से डायरेक्ट जुड़ने का। वेब और वेबसाइट में भी हर वो जानकारी उपलब्ध होती है जिसकी ग्राहकों को जरूरत हो। इसीलिए वेब डिजाइनिंग का व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। वेब डिजाइनिंग एक कला है और आज आईटी इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसका उपयोग विभिन्न इंडस्ट्री, शिक्षा के क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर आदि में हो रहा है। इसके तहत नीड एनालिसिस, सॉल्यूशन डिजाइनिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, वेब कंटेंट प्लानिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्लैश डिजाइनिंग, HTML कोडिंग और जावा स्क्रिप्टिंग आदि शामिल है। वेब डिजाइनिंग में हर उस पहलू पर गौर किया जाता है जो वेबसाइट के निर्माण में काम आती है। कंपटीशन के इस दौर में दिन प्रतिदिन डिजाइनिंग की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। आईटी क्षेत्र में भी यही स्थिति है। आजकल हर रोज नए वेबसाइट बन रही है, साथ ही पुरानी वेबसाइट में सुधार व अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। इन सब के लिए काफी टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। इन वेबसाइट को आकर्षक बनाने का काम करते हैं वेब डिजाइनर। इसीलिए सूचना तकनीकी के क्षेत्र में वेब डिजाइनिंग का एक विशेष महत्व है। दरअसल बाजार में वही वेबसाइट लोगों को अधिक पसंद आती है जिसकी डिजाइनिंग बेहतरीन हो। यही वजह है कि इंटरनेट के बाजार में वेब डिजाइनर्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और नए करियर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये एक बेहतरीन करियर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। वेब डिजाइनिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवा अपने आप को 100% उपयोग करके अपने काम के प्रति अधिक से अधिक रचनात्मकता के द्वारा जल्द ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। फर्स्ट हम इसके अंदर फोटोशॉप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फोटोशॉप इज अ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम HTML कोडिंग के अंदर आते हैं जिसके अंदर उसका बेसिक क्लियर होता है वेब डिजाइनिंग का। उसके बाद हम फ्रंट पेज में आते हैं जो वेबसाइट क्रिएट करने का एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। उसके हम डिवीजन में आते हैं जो इससे ऊपर का सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट होस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी अगर हमको और भी डिजाइनिंग करनी है तो हम फ्लैश में आते हैं। क्वालिफिकेशन एज टू 10+2 12 पास वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन 10+2 देन ग्रेजुएशन वो अगर करी भी उसने तो और ज़्यादा बेटर है उसके लिए। डिजाइनर का काम वेबसाइट का लेआउट और टेक्स्ट डिजाइन करना होता है। इसके अलावा उसका काम वेब पेज पर मेंटेनेंस, विजुअल और विज्ञापन की डिजाइनिंग करना भी होता है। समय समय पर नई नई तकनीक का प्रयोग करके वेबसाइट के डिजाइन में बदलाव भी करना पड़ता है। वेब डिजाइनिंग में 12वीं के बाद 3 साल का बैचलर डिग्री कोर्स किया जा सकता है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक डिजाइन या डिजिटल मीडिया का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट वेब डिजाइनिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स भी करवाते हैं। तो यदि कोई छात्र वेब डिजाइनिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो वे ऐसे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। I had always dreamed of doing something in web designing and I want to join my brother's business. This is the main reason why I have joined this course. मैंने कोरल ड्रॉ सीखा है अभी स्टार्टिंग में and it's almost going to be finished my course. I'm left with 2-3 tools, that's all. उसके बाद तो I'll start with Photoshop now. मेरा 1 साल का कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरी लगी हुई जॉब, इसमें हमने फोटोशॉप, कोरल, ये बेसिक है, 3D और ड्रीम वीवर, फ्लैश, स्क्रिप्टिंग। वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके तहत निजी और सरकारी दोनों संस्थानों में सेवा दी जा सकती है। ऐसी कंपनियां जिसकी वेबसाइट है उनको वेब डिजाइनर की जरूरत अक्सर पड़ती है, जैसे विज्ञापन एजेंसीज, डिजाइनर फर्म्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमेशा डिजाइनर्स की मांग रहती है। आज अधिकांश सरकारी विभागों में भी वेबसाइट का प्रचलन शुरू हो गया है जिससे वेब डिजाइनरों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां वेबसाइट तो मेंटेन करती हैं, लेकिन
डिजाइनर्स नहीं रखती। ऐसी जगहों पर फ्रीलांसर्स के रूप में काम किया जा सकता है। करियर के शुरुआती दौर में वेब डिजाइनर 10 से 15 तक का वेतन प्राप्त कर सकते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ने के साथ साथ पे स्केल भी बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स वेब डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, उम्मीद है उन्हें हमारे प्रोग्राम के द्वारा सारी जानकारियां मिल गई होंगी। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त है बेनिफिट्स का। आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी अपनी वेबसाइट बनवाती है, जिसे इस फील्ड में जॉब ऑप्शंस बरकरार रहते हैं। कोर्स करने के बाद चाहे तो आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, या चाहे तो अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं। वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आप विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं, जैसे वेब डिजाइनिंग, वेब फैकल्टी। तो ये थे कोर्स बेनिफिट्स। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे करियर काउंसलर संजय वर्मा, जो देंगे आपके सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ।